गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेसन बेक हम पहले पढ़ चुके हैं, जो एक पोएम है, और आज हम इसके न्यू वर्ड्स और वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला वर्ड है लवली, LOVELY, लवली। लवली मीन्स सुंदर। दूसरा वर्ड है बजिंग, BUZZING, बजिंग। बजिंग मीन्स मक्खी की आवाज़, मधुमक्खी की आवाज़। तीसरा वर्ड है स्लीपिंग, SLEEPING, स्लीपिंग हेड, यानी देर तक सोने वाला। नेक्स्ट है टाइनीएस्ट, TINIEST, टाइनीएस्ट मीन्स छोटा। नेक्स्ट वर्ड है चिकन, CHICKEN, चिकन। चिकन मीन्स हेन का बच्चा, मुर्गी का बच्चा। नेक्स्ट वर्ड है सी फ्लेचर, जो इस पोएम के पोएट हैं, जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, उनका नाम है सी फ्लेचर। नेक्स्ट वर्ड इज हरी अप, HURRY UP, हरी अप। हरी अप मीन्स जल्दी करो। तो ये इस पोएम जो है वेकअप के न्यू वर्ड्स हैं, जो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारे वर्ड मीनिंग, इस लेसन के वर्ड मीनिंग यानी शब्द अर्थ। पहला वर्ड है हरी, हरी मीन्स जल्दी करना। बजिंग, मधुमक्खी की आवाज़। टाइनीएस्ट, बहुत छोटा। लवली, प्यारा। वेक अप, उठना। लाई इन द बेड मीन्स बिस्तर में सोना। तो ये इस लेसन के वर्ड मीनिंग है, ये भी आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और पहला लेटर जो है वो कैपिटल आएगा सभी में, और इस तरीके से आपने सुंदर राइटिंग में जो है इस वर्क को अपनी नोटबुक में कर लेना है। अगला है हमारा क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक बर्ड से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। बर्ड्स एक दूसरे को सुबह सुबह क्या कहती हैं। इसका आंसर है बर्ड्स से वेक अप टू ईच अदर इन दी मॉर्निंग। बर्ड्स कहती हैं उठ जाओ एक दूसरे को सुबह सुबह। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन के आंसर्स को भी लिख लेना है, और यहाँ पर आपने कॉमा लगा के इस वर्ड को लिखना है वेक अप। फिर से पढ़ लेते हैं इसे। बर्ड्स से वेक अप टू ईच अदर इन दी मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर टू है हु आर ऑलरेडी अवेक। पहले से ही कौन उठ चुका है। द बर्ड्स, द काउस, द हॉर्सेस, द डक्स, द शीप एंड द चिकन आर ऑलरेडी अवेक। ये पहले से ही बर्ड्स, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप और चिकन, ये जो है पहले से ही उठ चुके हैं। तो ये दो क्वेश्चंस हैं इस लेसन के, ये आपने लर्न भी करने हैं और इसे आपने अपनी नोटबुक में भी लिख लेना है। ये आपका वर्क है।